देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। ब्रेकिंग न्यूज बाराबंकी। बाराबंकी पहुंचे डॉक्टर संजीव गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने नवनिर्मित कमरों का किया उद्घाटन। बाराबंकी पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र डॉक्टर संजीव गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने नवनिर्मित कमरों का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने सीमित संसाधनों के द्वारा कमरों के निर्माण किए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी एवं उनके सहयोगियों की तारीफ की। साथ ही थानों में मधुमक्खी पालन कर पुलिस की आर्थिक स्थिति को मजबूत किए जाने को लेकर भी पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के प्रयासों को सराहनीय बताया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या परिक्षेत्र में 47 अपराधियों के विरुद्ध उनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई कर पुलिस ने 9 करोड़ 28 लाख की रिकवरी की है और 60 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई भी की है। बाराबंकी पुलिस को भी अपराधियों की संपत्ति चिन्हित कर उनके जब्तीकरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बाराबंकी में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध टिकरा गाँव में ड्रग्स को लेकर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा कर ड्रग्स को लेकर इसकी तस्करी को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए। बाराबंकी में ड्रग्स कंट्रोल को लेकर पुलिस को कड़े निर्देश हैं, जिसका नतीजा है कि बीते दिनों काफ़ी मात्रा में ड्रग्स तस्करों को पकड़कर पुलिस ने भारी मात्रा में रिकवरी भी की है। ये थी आशीष वर्मा की खास रिपोर्ट। पुलिस कार्यालय में पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम द्वारा दो नए कक्षों का निर्माण किया गया है। एक तो बहुत कम संसाधनों में जो CCTV कक्ष था उसको बढ़िया से बनाया गया है। उसके साथ साथ उसके अंदर कंप्यूटर और बाकी व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ रिकॉर्ड रूम में भी बढ़िया से दो नए कक्ष बनाए गए और उनका उद्घाटन करने के लिए मैं यहाँ आया। उसके साथ साथ आज इनके राजपत्र अधिकारियों के साथ ये समीक्षा गोष्ठी की है और उनको शासन और हमारे पुलिस महानिदेशक के जो निर्देश हैं कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण को लेकर उन सब के बारे में विस्तार से इन लोगों को बताया। सर, आने वाले आगामी त्यौहारों को लेकर कैसे तैयारी? देखिए, आने वाले आगामी समय में जो नवरात्र और आगे त्यौहार आएंगे उसमें विशेष रूप से जो शासन की अब नई नीति आएगी उसके अनुरूप ही कोरोना को देखते हुए तो नीति आएगी उसके अनुरूप ही यहाँ पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सर, सरकार द्वारा एक आदेश आया है कि अब की बार नवदुर्गा का पंडालों का आयोजन नहीं होगा, किस तरह से आप लोगों को? अभी ये स्पष्ट निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए, एक दो दिन में ये प्राप्त हो जाएंगे, उसके अनुरूप ही उसकी कार्रवाई की।